शहरात सध्या डेंग्यूचे प्रमाण वाढत आहे आणि यातच संपूर्ण शहरात अस्वच्छतेचे व घाणीचे साम्राज्य वाढलेले दिसून येत आहे. 15 दिवसात एकच वेळा सफाई कर्मचारी येतात असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नागरिकांनी सिटीन्यूजकडे आपल्या तक्रारी मांडल्यात तेव्हा सिटीन्यूजच्या टीमने हैदरपुरा येथील परिसराची पाहणी करत नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. मोहम्मद अफसर ईदगा गेट हैदरपुरा से बोल रहा हूँ. यहाँ पे हैदरपुरा और अहमदनगर को लग के एक 500 मीटर पे एक कंपोस्ट डिपो है जिसमें बरसात की वजह से पूरी बदबू फैल गई है. और यहाँ पे ये 30 साल से कंपोस्ट डिपो अहमदनगर से लगकर है जिसकी दुर्गंध और बीमारियाँ पूरे इलाके में पसर गई है. और एक ये जो खुजली की बीमारी एक आम जो हो चुकी है यहाँ पे. और पूरा कचरा, पूरे शहर का कचरा एक ही जगह पे डाला जा रहा है. और इसमें एनजीटी में एक केस हमने दाखिल किए थे जिसमें इस महानगर पालिका को 47 करोड़ रुपए फाइन हो चुका है. और ये जो कचरा जो यहाँ से उठाने का है, जब तक ये कचरा नहीं हटेगा वहाँ से एक लाख रुपए महीने का फाइन हो रहा है. और हमारी ये सभी ये परिसर के लोगों की एक मांग है कि ये कंपोस्ट डिपो हमारे यहाँ से हटना चाहिए और इसको चार जगह पे स्थानांतरित होना चाहिए. पूरे शहर का कचरा हमारे इलाके में क्यों, ये हमारी एक मांग है. और इस लड़ाई को हम 2 साल से लड़ रहे हैं. इसमें शासन प्रशासन इसका पूरा जिम्मेदार है. और यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देने की वजह से और यहाँ का जो कचरा है और एक बीमारी जो फैल चुकी है यहाँ पे डेंगू की, एक कोई सुनवाई नहीं है, इसकी सुनवाई नहीं है. और यहाँ पे सभी लोगों से आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि इस इलाके में जो बीमारियाँ हैं, ये एकदम परेशानियाँ हैं, ये बहुत बढ़ चुकी है. कचरे के वजह से यहाँ बहुत परेशानियाँ बढ़ चुकी है. और यहाँ पे जो पानी जो है, यहाँ का जो पानी है इसका TDS यहाँ पे 3200, 2500, 2700 ऐसा TDS है. नियम अनुसार टीडीएस जो है पानी का जो TDS है नियम अनुसार 300 TDS के ऊपर का पानी पीते नहीं आता, वापरते नहीं आता. यहाँ का इस परिसर का जो TDS है कहीं पर भी आप जांच कर सकते हैं. और हमने इसकी जांच की है, जांच प्रभूषण मंडल की तरफ से जांच की है. तो इसका जो TDS है 3200 TDS है यहाँ का. और इसके इधर के लोग शिक्षित नहीं होने की वजह से इसी बोर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. हमारा नियम शासन प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ का ये कंपोस्ट डिपो यहाँ से हटाया जाए. अगर ये कंपोस्ट डिपो यहाँ से 6 महीने के अंदर नहीं हटा तो ये तीव्र आंदोलन यहाँ से छेड़ा जाएगा. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डिसीजन है कि ये जो कंपोस्ट डिपो है शहर से 10 से 15 किलोमीटर होना चाहिए. जिस वक्त ये कंपोस्ट डिपो बनाने का जो निर्णय लिया गया तो ये सरासर शासन प्रशासन के अधिकारियों ने गलत निर्णय लिया. चूंकि बस्ती यहाँ पे बस चुकी थी और ये बस्ती बसने के बाद में भी यहाँ पे एक आधा किलोमीटर पे कंपोस्ट डिपो बनाया गया. और किसी का मत इसमें ना लेते हुए इस परिसर के लोगों पर अन्याय किया गया. हमारा यही ये है कि ये कंपोस्ट डिपो शहर से हटना चाहिए. और पूरे शहर का कचरा हमारे इलाके में क्यों, ये हटना चाहिए. और चार जगह इसको स्थानांतरित करना चाहिए. जिधर का कचरा उधर ही लगाओ, इसको जमा मत करो, उसका विल्लेवाट करके खत बना के इसको ये करो. लेकिन शासन प्रशासन इस पर नज़रअंदाज करके और इसको लोगों इधर के जो मुस्लिम इलाका माजनपुरा, खोलापुरी गेट और ये रहमतनगर, लालखड़ी, इधर के लोगों पर अन्याय है. मैं इतना ही कहता हूँ कि ये कचरा डिपो यहाँ से हटना चाहिए और बीमारियों से हमको निजात देना चाहिए. और महानगर पालिका ने जगह जगह शिविर लगा के यहाँ पे जो खुजली की बीमारी एक आम हो चुकी है इस पर उपचार करना चाहिए. धन्यवाद. मैं सैयद समीर, प्रभाग क्रमांक 15, चांदनी चौक परिसर से. आज हमारे परिसर में हम लोग इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हम लोग आपको बता भी नहीं सकते. एक छोटी मोटी महानगर की पालिका की फैसिलिटीज होती है नाली साफ करना, रोड की सफाई रखना और मच्छर या मॉस्किटो से बचने के लिए कोई लिक्विडेशन करना. ये छोटी छोटी प्रॉब्लम भी अगर महानगर पालिका से हो नहीं रही तो महानगर पालिका आयुक्त की तरफ से हमारे लिए क्या काम हो रहा है. सबसे मेन मुद्दा है यहाँ पर नाली का. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नाली ओवरफ्लो हो जाती है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बारिश के अंदर. जब भी छोटी मोटी भी अगर थोड़ी बहुत
15-10 मिनट के लिए भी बारिश अगर होती है यहाँ पे तो नालियाँ पूरी ओवरफ्लो जाती है, जिसके वजह से पूरी पूरी गंदगी जो रोड पर आ जाती है, और गंदगी आने की वजह से यहाँ पे न जाने कितने गंदगी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, और आए जितनी कितनी बीमारियाँ फैल रही है यहाँ पे, आए दिन नए नए बीमारियाँ गली के अंदर, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी इशू है यहाँ पर जो गली के अंदर ये ब्लॉक्स जो लगे हुए हैं पानी के कारण, ये ब्लॉक्स पूरे के पूरे निकल गए, जिसके वजह से ब्लॉक उखड़ के जिसके बीच में पानी जमा होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोगों की यहाँ डिमांड है कि ये ब्लॉक्स निकाल करके यहाँ पर नया रोड कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, और ये जो नाली का प्रॉब्लम है ये परमानेंट हमारे को सॉल्यूशन चाहिए। परमानेंट बोले तो ये नाली को हमारे को गटर सिस्टम चाहिए और नाली प्री क्लोज चाहिए यहाँ पर। और दूसरी महानगर पालिका से यही है कि ये प्रॉब्लम्स ऐसा है कि यहाँ पर जो सफाई करने के लिए कर्मचारी होते हैं महीने में सिर्फ 4 बार आते हैं। चांदनी चौक परिसर एकेडमिक स्कूल के सामने ये गली हमारी, ये पूरे मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ सफाई करने के लिए महीने में 4 बार यहाँ पर सफाई करने के लिए कर्मचारी आते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। तो इसी तरह हमारी डिमांड है कि ये प्रॉब्लम्स को हमारी सॉर्ट आउट करें। थैंक यू सो मच। मच्छर वाले फौरन नहीं आते, मच्छर वाला भी नहीं आया, कचरा वाला भी नहीं आया, नहीं कचरा वाला भी नहीं आता, बिल्कुल कचरे वाले, कचरा वाला 5 साल में बॉटम से नाली निकली नहीं है। ठेकेदार को बोलने के बाद भी ये कार्रवाई नहीं करते है, इसीलिए हमने ये कंप्लेंट डाली है सिटी न्यूज पे देने के लिए। और ये रोड पे गिर रहे है लोग, गिर रहे है ब्लॉक से, ये रोड के लिए भी कंप्लेंट करे हमने, और मच्छरों के लिए, और कचरा गाड़ी आती नहीं है इधर, इसलिए कचरा लोग रात को पन्नी में लाकर नाली में फेंक देते हैं, उससे बहुत गंदगी हो रही, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं इससे, इसलिए हमने ये कंप्लेंट डाले हैं। हैदरपुरा वार्ड, हैदरपुरा वार्ड और सागर नगर, यहाँ से लेके लालखड़ी तक के मच्छरों का जो आतंक चल रहा है और बीमारी का जो डेंगू का जो आतंक चल रहा है, उसके लिए मतलब नगर पालिका ने कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसा कि फुहारा हो गया और वो जो धुआं वगैरह जो मतलब उसे मारते हैं वो हो गया, तो वो इधर नहीं आ रहे हैं, ये मच्छरों के उसके वजह से बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो हम मतलब यही कहेंगे कि भाई नगर पालिका को इधर भी ध्यान देना चाहिए, फुहारे के लिए नहीं आते हैं और वो जो धुआं मारते हैं वो नहीं आते हैं, इससे बीमारियाँ बढ़ रही है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अमू शाह रहमतुल्ला शाह, हैदरपुरा। अमरावती महानगर पालिका से ये बोलने हैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू हमको, तो यहाँ पर जो एक कंपोस्ट डेपो है, ज़्यादातर हमारी तरफ जो बीमारी फैल रही है वो कंपोस्ट डेपो की तरफ से फैल रही है, और इसके अंदर कहते हैं मच्छर और जरासीम और घरों में इल्लिया और हर जो भी गंदगी है सब वहाँ से फैल रही है हमारी। इसके लिए हमने आयुक्त साहब को सबको कंप्लेन कर चुके हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। यशोमती दाई को भी हमने इसके बारे में निवेदन दिए थे, खोलके मैडम को भी, सारे जो तमामी यहाँ के लीडर है उनको सब, इसके ऊपर किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। पूरी गंदगी अमरावती शहर की हमारे एरिया में लाके डालते हैं, और उससे हमारा जो एरिया है सारा पीछे चला है और बीमारी का धन बढ़ते चला है। बस दो शब्द बोल के मेरे पास।